नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं धन आने का और धन जाने का दोनों का प्रतीक, और साथ ही हमारे जीवन में कुछ बदलाव है उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो छिपकली के यह संकेत आपको अपने जीवन में यह बता देंगे, और साथ ही अगर छिपकली आपको दिख जाए तो उस पर यह एक चीज डालने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शानदार उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, लोग अक्सर घर में छिपकली को देखते हैं, जो कि एक सामान्य घटना मानी जाती है। यहाँ तक कि हमें पता है कि छिपकली को एक सामान्य जीव जंतु माना गया है, लेकिन जीव जंतुओं और मनुष्यों के बीच प्रकृति का अपना एक अलग संबंध होता है। यह बात शायद कम ही लोग जानते होंगे। शास्त्रों में छिपकली को एक बेहद खास जुर्माना गया है। शास्त्रों में छिपकली को देखने और उससे जुड़ी कई गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी अगर आपको मालूम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी को पा सकते हैं। शास्त्रों में विख्यात शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर दिखना, शरीर पर गिरना भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं की ओर इशारा करता है। इसके अलावा छिपकली का शरीर के किसी खास अंग पर गिनना भी भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं को दर्शाता है। यह चीज आपने बहुत बार सुनी होगी कि दीपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके ऊपर पर जाए तो घर में वर्षों तक के लिए सुख समृद्धि आती है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से हम अनेकों लाभ पा सकते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो जानते हैं कि ऐसा कौन सा बहुत सरल काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हैं, और जिससे अपने जीवन के तरक्की के मार्ग खुल जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आपको छिपकली दिख जाए तो सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग खुल सकते हैं। तो जब भी आपको घर में छिपकली देखें तो तुरंत भगवान की मूर्ति के पास रखा सिंदूर और चावल लाएं और उसे दूर से ही छिपकली के ऊपर छिड़कते हुए जो कोई आपके मन में मुराद है उसको मन में बोलें और यह कामना करें कि आपकी मुराद पूरी हो जाए। शास्त्रों में छिपकली को एक पूजनीय प्राणी माना गया है। इसके पूजन अर्चन से धन से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, छिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने कभी भी दीवार पर छिपकली को देख लिया और आप यह उपाय करने लग जाए, बल्कि विशेषकर संध्या काल के समय जब आप पूजा करने वाले होते हैं उस समय ही आपको ध्यान रखना चाहिए और यह उपाय करना चाहिए। छिपकली एक ऐसा जीव है जो देखते ही लोगों को घिन आती है। इससे डर के या इसे भगाकर आप अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से शुभ संकेत मिलते हैं। लेकिन जब दीपावली की सफाई करें या जब भी कभी आप अपने घर में सफाई कर रहे होते हैं और आपके सामने मरी हुई छिपकली आ जाए तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथों से सफाई करते हुए छिपकली या उसका कोई बच्चा मर जाए तो तुरंत उसका संस्कार कर दें, यानी कि जमीन में गड्ढा खोदकर उसको दबा देना चाहिए। इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज नहीं होंगी। नहीं तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे कष्ट आने लग जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में सोच ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है और क्या करने की वजह से आपके जीवन में ऐसे संकेत बार बार आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आप अपने जीवन में घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाना खा रहे होते हैं और आपको किसी छिपकली की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है।
यह आपके जीवन में अचानक कोई धन प्राप्ति का संकेत देता है, कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत देता है, या फिर ये आपको कोई शुभ फल मिलने का संकेत हो सकता है। और अगर आपको छिपकली का कोई समागम दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने वाला है और आपके जीवन में कोई संकेत मिल रहा है कि आप जो ढूंढ रहे थे अब जिस व्यक्ति से मिलना चाहते थे कि वो व्यक्ति आपके सामने आए और अब आपको ऐसा लगेगा कि यह कैसे हो गया। और इस प्रकार के आपके जीवन में कोई नए संकेत दिखाई देंगे। एक ऐसी भी चीज है कि अगर आपको सपने में छिपकली मरी हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसका आपको पहले कोई अंदाजा न हो। यह हमारे अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव से जुड़ी हुई होती है। कहा जाता है कि अगर जाते जाते इंसान के हाथ या सर में छिपकली अचानक गिर जाए तो निकट भविष्य में मान सम्मान मिलने का संकेत है। यह भी कहा जाता है कि अगर घुटने में छिपकली गिर जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको खाना खाते समय छिपकली दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप खाना खा रहे होते हैं और अचानक आपके पैरों में छिपकली आ जाती है तो कोई बीमारी आपके जीवन में आ सकती है। माना जाता है कि अगर आपके घर में छिपकली हो और आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उसी समय अगर छिपकली आवाज करें तो इसका मतलब है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सच होने वाली है। कहा यह भी गया है कि माथे पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही अगर छिपकली किसी भी कीड़े या पतंगे पर झपके और आप उसे देख लेते हैं, आप उसके बीच में आ जाते हैं तो समझ लीजिए किसी धन के आगमन के साथ साथ ही धन का नुकसान भी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा संकेत आपको मिले तो आपको इस बात को तुरंत ही समझ जाना चाहिए। अगर आप अपने किसी कार्य हेतु जा रहे होते हैं और उस कार्य के लिए जैसे ही आप प्रस्थान करने वाले होते हैं, बहुत ही कम यह होता है, लेकिन जब भी आप प्रस्थान करने वाले होते हैं और दो छिपकलियां आपके सामने लड़ती हुई दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब है आप उस कार्य के लिए जाएंगे तो उसमें सफलता आपको मुश्किल से मिलने वाली है। उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उस कार्य में सफलता मिले या न मिले, इस बात के ऊपर कभी आपको कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके शरीर पर छिपकली गिर जाए तो उसे भी आप कई चीजों का पता लगा सकते हैं। अगर छिपकली किसी के माथे पर गिरती है तो धन लाभ होता है। अगर दाहिने कान पर गिरे तो आभूषणों की प्राप्ति होती है, जबकि बाएं कान पर गिरने से उम्र लंबी होती है। लेकिन अगर छिपकली आपके बाल में, यानी विशेषकर महिलाओं के जैसे लंबे बाल होते हैं, वैसे बालों में फंस जाती है या उस पर गिरती भी है तो संभल जाइए, इसमें आपको कोई बुरी खबर आने के संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप अचानक अपने घर के पूजा घर में छिपकली देख लेते हैं तो वहाँ पर आपको गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए और साथ ही आपको एक दीपक माता लक्ष्मी का जलाकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह माता लक्ष्मी से मांग लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और साथ ही पूजा घर में यह घटना होने से आपका सारा काम भी बन जाता है। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको अपने सपने में छिपकली झगड़ते हुई दिखाई देती है, आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो इसका मतलब है किसी प्रकार के विवाद में फंसने वाले हैं और उसका पूर्व संकेत आपको मिल रहा है। इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी अनुरूप कार्य करने चाहिए ताकि आपको अपने कार्य में असफलता हाथ ना लगे, आपको आपके कार्य में सफलता ही हाथ लगे। तो ये थे छिपकली से जुड़े शगुन शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे संकेत जिन्हें व्यक्ति समय से पहले देखकर संभल जाता है तो अपने जीवन में तरक्की कर लेता है। लेकिन जब वो संभलता नहीं है तो उसके हाथ से कुछ गलतियां होती है और उसको उसका पछतावा भी करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।